जिससे महारानी भी अभी तक महरूम थी, लेकिन तुम नहीं, तुमने शिवदत्त की विश्वास का ये सिला दिया। नहीं महाराज, इस बात में कोई सच्चाई नहीं। शिवदत्त ने पति नत को खोया तुम्हारी वजह से। महारानी ने सभ्य को खोया तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, पंडित चकनत को भी खोने वाला था शिवदत्त, तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तारा। नहीं महाराज, नहीं, तुम्हें इसकी कीमत नहीं महाराज चुकानी पड़ेगी। नहीं महाराज। तुम तमाम साजिशों में शामिल हो, सारे सबूतों और शुभ का इशारा इसी नतीजे पर शिव तक को पहुंचाता है, लेकिन लेकिन क्या महाराज? लेकिन ये तारा कि मौत के खौफ ने भी तुम्हें अपना जुर्म कबूल नहीं करवाया, इसलिए शिव तक का इंसाफ तुम्हें शक की गुंजाइश पर छोड़ता है। अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम गुनहगार नहीं हो, और यह शक की गुंजाइश तुम्हें नसीब आए। लेकिन महाराज, आपकी निगाहों और आपकी जमीन ने मुझे बेगुनाह साबित किया है। हाँ, इसलिए तारा, क्योंकि शिद्दत सबूतों से महरूम है। लेकिन अगर कल अगर शनि ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी और षड्यंत्र कार्यों में तुम्हारा नाम शामिल हुआ तो तारा, तुम एक दर्दनाक और एक हैबतनाक सजा की हकदार होगी, और ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी तारा, आखिरी रात। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी, नौगढ़ विजयगढ़ में थी तपरा नौगढ़ कथा जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। और षड्यंत्र कार्यों में तुम्हारा नाम शामिल हुआ तो तारा, तुम एक दर्दनाक और एक हैबतनाक सजा की हकदार होगी, और ये रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी तारा। जी आप क्या बात है सूर्या, तुम बहुत चिंताग्रस्त लग रहे हो। हाँ पंडित जी, मेरे परेशानी का सबब है वो अनजान नाम जो मैं शनि से उगलवा नहीं सका। फिर भी सूर्या, तुम्हारी सम्मोहन विद्या ने तो कमाल कर दिखाया, ये तो केवल एक इत्तेफाक की बात है कि वो चौथा नाम तो हासिल नहीं करता। हाँ पंडित जी, लेकिन जब तक अन्य षड्यंत्रकारों के नामों का खुलासा नहीं होता तब तक साजिशों के इस गोरख धंधा की कहानी साफ नहीं होगी। वो तो ठीक है सूर्या, लेकिन कहानी का ये वर्ग तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि महारानी पर कातिलाना हमलों के पीछे तारा का हाथ था, तो तारा खुद महारानी बनने की आकांक्षा रखती है। और सूर्या, इस कहानी के दूसरे अध्याय की खास किरदार भी तारा ही है, उसी ने शनि को धन दौलत के प्रति उसकी कमजोरी और मेरे प्रति उसकी नफरत का फायदा उठाकर चुनारगढ़ बुलवाया, और फिर सुल्ताना और अजगर की मार्फत उसी ने सभ्या का कत्ल करवाया। जी, और पंडित जी इसकी वजह थी सभ्या की मुट्ठी में तारा का राज। तुम्हारी ये बात 100% सही है सूर्या, लेकिन इस कहानी का वो वर्क अभी कोरे और धुंधलके में घिरा हुआ है। पंडित जी, इस तीसरे वर्क के खास किरदार की आकांक्षाओं का निशाना
शर्त यह चुनारगढ़ है और उसकी आकांक्षाओं के बीच में दीवार बने खड़े हैं आप और खड़े थे बद्रीनाथ जी। इसलिए जब मेरे भाई ने बद्रीनाथ जी को बचाने का संकल्प लिया तो इस खतरनाक किरदार ने उन्हें भी खत्म कर दिया। लेकिन पंडित जी, मैं कल तक इस खूंखार किरदार का नाम मालूम करके ही रहूंगा। सूर्य, तुम्हें तो उसका नाम कल हासिल होगा, लेकिन मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम बखूबी जानता हूं। उस षड्यंत्रकारी का नाम है क्रूर सिंह। असगर, तुम क्या हुआ? कहां है सुल्ताना? सुल्ताना को मैंने कोने कोने में छान डाला, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। कहीं कुछ पता नहीं चला। अरे सुल्ताना को यह याद तो नहीं कि भेष बदल कर हमारा हाथ से निकल जाए? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो गायब कहां हो गई। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी दिशाहीन हमदर्दी से, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अपनी गलती मैं कबूल करता हूँ गुरुजी, लेकिन वो जहाँ कहीं भी छुपी हो ना, उसे यही कहीं आसपास में चाहिए। तहखाने में तो शर्तियाँ नहीं सुल्ताना, जरूर होगी, वो महल में ही मौजूद। इसके सिवा और वो जा भी कहाँ सकती है? वही तो सुल्ताना जहाँ कहीं भी हो, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा, उसे ढूंढना होगा। सुनो असगर, तारा को हमें सतर्क करना होगा। किशनी को खत्म करने का जो उसका मकसद है, उसे खत्म करने के लिए सुल्ताना निकल चुकी है। यक यक एक यक तुम सरकार, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सरकार, मैं तो आप ही को तलाश नहीं आया था। मुझे तलाश नहीं, क्यों और किस लिए? इसलिए कि आपकी खतरे की घंटी बज चुकी है। खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या बकवास कर रहे हो? वो इसलिए कि तारा की मौत का बुलावा निकल चुका है। मौत का बुलावा? क्या मतलब? मतलब ये कि महाराज ने तारा को अपने कक्ष में हाजिर होने का हुक्म भेजा है। तब तो तारा वहीं गई होगी, और अब उसका महाराज की कहर से बच पाना मुमकिन नहीं है। मैं जानता था कि यही होगा, और इसीलिए मैंने तारा को आज रात ही फरार हो जाने की चेतावनी दी थी। आमिर, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? फौरन जाओ और नाज़िम से दरियाफ्त करो कि सुल्ताना का कोई सुराग मिला कि नहीं, और मिला तो महल के किस कोने में है। जाओ, अभी गया और अभी आया। क्रूर सिंह, तुमने ठीक कहा था, हमारा चुनारगढ़ से फरार हो जाना ही मुनासिब था। और नहीं तो क्या? अरे सन की महाराज क्या कुछ नहीं कर सकता है। तारा, तुम इस दशा में? तारा, बताओ क्या हुआ? आज महाराज ने पहली बार मुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। वो तो तुम्हारी हालत से जाहिर है तारा, लेकिन हुआ क्या है? महाराज ने मुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं। महाराज ने तुम पर जुल्म ढाए? तारा, मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ क्रूर सिंह, लेकिन फिक्र मत करो, तारा टूटी नहीं, क्योंकि तारा भी फौलाद की बनी हुई है। लेकिन तारा, महाराज का विश्वास तो तुम पर से उठ चुका होगा। नहीं, क्योंकि उस वक्त भी मेरी हिम्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। यानी कि महाराज का विश्वास अब भी तुम पर बरकरार है? हाँ। वाह, बरकरार है, क्योंकि इतने सितम के बाद भी मैंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। तारा, तुमने वाकई हिम्मत का सबूत दिया है। हाँ, और इसीलिए महाराज ने मुझे शक की गुंजाइश पर बख्श दिया, छोड़ दिया। शुक्र है कि महाराज ने तुम्हें जिंदगी बख्श दी। तारा, जिंदगी बख्श दी। शुक्र सिर्फ तभी तक है क्रूर सिंह, जब तक वो शनि अपना बयान नहीं दे देता। आज की ये रात बहुत कीमती है, और आज की इस रात की कीमत शनि को अपनी मौत से चुकानी पड़ेगी। हाँ, शनि की मौत से आज की कीमती और इकलौती रात की कीमत चुकेगी। क्रूर सिंह, उस खतरनाक सुल्ताना का कुछ पता लगा?
जानती हो तारा, उस खतरनाक सुल्ताना को दोगुना करने में असगर जैसे महारथी का नाम शामिल है। और इन्होंने ही सुल्ताना को शनि की रिहाई के रास्ते में पहुंचाया है। तारा, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं। सूर सिंह, इस तरह की फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है। हाँ तारा, अब मैं सबसे पहले उस सुल्ताना नाम के खतरे को गिरफ्तारी का अंजाम देता हूँ। यक और अब चुनारगढ़ की कोई भी ताकत ना ही पंडित जगन्नाथ, ना ही सूर्या और ना ही वो सुल्ताना शनि को मेरे हाथों से बचा सकती है। और अब चुनारगढ़ की कोई भी ताकत ना ही पंडित जगन्नाथ, ना ही सूर्या और ना ही वो सुल्ताना शनि को मेरे हाथों से बचा सकती है। शनि तक पहुंचने की हिम्मत रखती हो और तारा से मुकाबला करने की भी? तो तारा, तुम सुल्ताना से मुकाबला करने की ताकत लेकर आई हो? हाँ, आजमाना चाहती हो तो आजमा कर देख लो। तो ये चुनौती है हमारे बीच? यही चुनौती है हमारे बीच। सुल्ताना, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तारा, अब तुम्हें सुल्ताना भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये तो सूर्या की आवाज है। ये बेवक्त यहां क्यों पहुंच गया? अब सिर्फ आज की रात बेशकीमती है। हाँ, कल तक मैं शनि से सारे राज उगलवा लूंगा। लेकिन अगर इस बार शनि अपने
चक्र नहीं आया तो क्या करेंगे हम? ये नामुमकिन है। अगर ऐसा हुआ तो उस खतरे के लिए दूसरा हथियार है मेरे पास। ये संतानी कहां चली गई? एक बार फिर मेरे हाथों से बच गई। सूर्य, मैं चाहता हूं कि आप सुरंग के मुहाने की तफ्तीश कर लें, क्योंकि बद्रीनाथ जी ने सिर्फ मुझे ही उस सुरंग के बारे में बताया था। लेकिन वो सुरंग है कहां पर ना? आइए मैं आपको बतलाता हूं। ये जानकारी किमती नहीं, मेरे लिए बेशकीमती साबित हो सकती है। पन्ना, जिस रास्ते की जानकारी तुम्हें मरहूम बद्रीनाथ जी ने दी थी वो खुफिया रास्ता है कहां? वो खुफिया रास्ता ये रहा। इसे खोलने का जरिया तो सामने नजर नहीं आ रहा, वरना यह खुलेगा कैसे? ठीक यही सवाल मैंने भी बद्रीनाथ जी से किया था और उन्होंने मुझे इस खुफिया सुरंग को खोलने का एक रास्ता बताया भी था, वो ये रहा। पन्ना जी, सुरंग का रास्ता ये कहां जाके पहुंचता है? सीधा वहीं जहां तक मैंने आपको बताया था। ये सुरंग का रास्ता हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अगर दुश्मनों को इसके बारे में पता चल गया तो बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। जी हाँ, ठीक वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्यों ना हम आज की रात इस सुरंग के रास्ते पर निगरानी बढ़ा दें? हाँ पन्नालाल, इसलिए तुम अपने सबसे भरोसेमंद नायक मुश्ताक अली और सारंग देव को यहाँ तैनात रखो। ठीक है मुश्ताक अली। जी हुजूर। तुम आज की रात यहाँ पर तैनात रहो। जी अच्छा। मैं इस सुरंग के रास्ते को बंद कर देता हूँ और सारंग देव को यहाँ भेजता हूँ। बहुत सावधानी के साथ तुम्हें रहना होगा। पहले की तारा तुम तक पहुंच पाए, मैं तुम्हें इसी रास्ते से आजाद कर दूंगी। हाँ शनि, अब सुल्ताना तुम्हें आजाद नहीं करा सकता।